प्रेजेंट तीन बंदे बचे हैं इनके, पर द फाइट दे आर पुटिंग अप, आप देख रहे हो लोग आ चुके हैं, बट आप एकदम एग्रेसिव पुश दिखा रहे हैं। बट यहाँ पे टेम्पल मीनर नॉट आउट हो गए, टीम नंबर 14 पूरे ही पूरा पुश करते हुए आ रही थी, लेजेंड यहाँ पे नॉट आउट है। क्या यहाँ पे आखिरी मैन स्टैंडिंग था, एंड दे हैव गॉट दैट फोर इंपॉर्टेंट किल्स आल्सो। आर्मर भी वहाँ पे लो हो चुका होगा बिकॉज सामने उन लोगों ने आरवीपी से फाइट ली थी, बट यहाँ पे बर्न एक थोड़ा सा स्प्लिट होकर खेल रहे, एक ग्रेनेड से दो प्लेयर नॉट आउट हो गए सलमान एंड काना। मीनवाइल 9211 हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड ऑफ दिस फर्स्ट मैच ऑफ सेनहॉक। बर्न एक्स क्लच, दे हैव गॉट थ्री किल्स। ये इसके सामने एंटिटी का घातक दिख रहा है यहाँ पे, बट जंगली राइनो यहाँ पे नॉट डाउन कर चुका है एनटीटी जोनाथन को। अमन गुड घातक भी यहाँ पे नॉट डाउन हो चुके हैं, तीन मैन डाउन है यहाँ पे एनटीटी। नियो अकेला बचा हुआ है, आई डोंट थिंक सो दे विल मेक आउट ऑफ द सिचुएशन बिकॉज सैंडविच हो चुके हैं यहाँ पे एनटीटी गेमिंग के। यहाँ पे तीन प्लेयर खत्म, थ्री मैन डाउन हो चुके हैं ऑलरेडी एनटीटी, एंड एनटीटी नियो को अब एक ही चीज करना है, ही हैज टू मूव इन द जोन और वहां पे अपने आप को होल्ड करेंगे वो सिर्फ, उनको कुछ ज्यादा प्रेशराइज नहीं है फिलहाल, वो जोन में जाएंगे अपने आप को, यू नो अब प्ले फॉर पोजीशन वाली बात आ गई है। यस, यहां पे हम कैनी H2O का बहुत ही प्यारा M466X का स्प्रे देख रहे हैं, इज ट्राइंग टू टैप बॉब लीडर ओपी जो पीछे एक बंदा बचा है, एंड वो भी काफी हिट ले रहा है, एंड आई गेस एक प्लेयर का फिनिश होगा बिकॉज वो पेड़ जो वो ट्री है वो काफी मतलब छोटा सा है, तो आई गेस उन लोग ठीक से अपने आप को पोजिशन नहीं कर पा रहे, खुद को सेफ नहीं कर पा रहे, सिक्योर नहीं कर पाए। फीट पे हम देख रहे हैं H2O ने एक बंदे को फिनिश ऑफ किया, यहाँ किलर H2O भी फ्लैंक करते हुए। ओके, सो टीम H2O यहाँ पे फॉर श्योर गॉड ओपी को यहाँ पे फिर से लॉकडाउन कर रहे हैं, दे आर क्लोजिंग इन फ्रॉम डिफरेंट एंगल, सो एक ही चीज बहुत अच्छी है H2O की, दे आर नॉट गोइंग फॉर वन एंगल बिकॉज अगर आपके पास तीन अलग अलग एंगल्स अगर पुश आते हो तो फॉर श्योर सामने वाली टीम और ज्यादा नर्वस हो सकती है, एंड ओपन करो तो डेट इज पॉसिबल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्मा के निजाम ने PSY के सिर्वी को नॉक किया, एंड पूरा पुश करते हुए सिर्वी को यहाँ फिनिश करेंगे, बट पीछे स्ट्राइडर भी नॉक है, वॉशिंग यहाँ पे पुश करते हुए निजाम DC रीलोड कर रहा था, पर यहाँ पे M762 कवर फायर बहुत ही प्यारा आते हुए कर्मा के टीम में से थोड़ा डैमेज दिया, बट वॉशिंग इज ऑल्सो नॉक डाउन। PSY के तीन बंदे नॉक आउट चुके हैं, मेजर अल्फा इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग, एंड यहाँ पे अगर कर्मा PSY को निकाल देते देन वी विल सी टू टीम्स जो अर्ली इन द गेम बहुत डिफिकल्ट स्पॉट पे, बट मेजर अल्फा भी यहाँ पे फाइनल मैन भी यहाँ पे जा चुके हैं, सो टीम साइक हैज बीन एलिमिनेटेड। जिस स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे जंगली के रैनो ने साइक के बंदे को नॉक किया, एक बंदा और आते हुए क्या रैनो क्लच कर पाएगा, एंड बहुत ही बेहतरीन क्लच जंगली रैनो के तरफ से, उनका एक प्लेयर नॉक है रेज टैक्सी पर, यहाँ पे उसने टीम के लिए क्लच करते हुए चार किल्स निकाल चुके हैं, पर अब जो नॉक किया BM के एजेंट को नॉक किया, लास्ट बंदा बचा BM ने भी किया हाइड्रा स्पाइडी, अपने टीम के लिए ये स्पॉट बाय कर पाएगा, और एक नॉक स्पाइडी काफी अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए, पर इनको जोन का ध्यान रखना चाहिए, दे आर ट्राइंग टू मूव इनटू द जोन, एंड बहुत ही प्यारा स्क्वाड वाइप हाइड्रा स्पाइडी की तरफ से, पर यहां पे हिट लिया और वो अनफॉर्चूनेटली जोन के बाहर नॉक हो गए, एंड यहां हाइड्रा के स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया मेहम ने, मेहम के क्लोक बहुत ही प्यारा गेट कीपिंग का काम करते हुए। इवेंचुअली मेहम यहां पे बहुत ज्यादा किल निकालती हुई, अगर थर्ड पार्टी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे किल्स आए आने दो, एंड कर्मा का स्क्वाड अभी बग हिज हैविंग दोस टू किल्स, एंड यहां पे VS के स्क्वाड को पूरा ही पूरा इग्नोर करते हुए दे आर ट्राइंग टू गो इनटू द जोन, जो कि अच्छी भी चीज है, बट एग्जिस्टेंस वो पूरी तरह से सैंडविच हो चुके हैं, आई डोंट थिंक सो उनके लिए इजी होगा यहाँ पे बचने के लिए, बट आई थिंक कर्मा का स्क्वाड यहाँ पे थर्ड पार्टी कर सकता है बिकॉज नीचे जो संधू नॉक हुआ था वो एग्जिस्टेंस को भी पता है, दे आर ऑलरेडी वन मैन नॉक डाउन, बट कर्मा यहाँ पे इजीली पुश कर सकती है एग्जिस्टेंस के ऊपर, एक रॉक के पीछे ये जस्ट, एंड साउंड तो आ ही रहा होगा फॉर श्योर, बट देखते हैं एक प्लेयर राइट से एक प्लेयर लेफ्ट से, आई थिंक एग्जिस्टेंस गोना नॉक आउट सून, बट देन यहाँ पे ही है बात क्योंकि यू नो OR के पास वो एक्सपीरियंस है कि वो लोग, और ये एक लो टॉस पे मॉली डालते हुए बट किसी को भी हिट नहीं किया है, एंड कर्मा के तीनों बंदे एक ही रॉक के पीछे हैं और अब उन्होंने स्पॉट कर लिया एंड बच गए। एग्जिस्टेंस की यहाँ पे ये बात है कि यू नो OR के बाकी तीन बंदे हैं वो नीचे ही हैं, एंड पीछे से एंटिटी नियो फिनिश होते हुए यहाँ पे कर्मा ने एंटिटी को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया है, यहाँ पे एंटिटी नियो को OR का तो बंदा है उसको पूरा बैकअप मिलेगा उसकी टीम से, अब दिक्कत होने वाली है यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो फुटसेस बता रहा होगा, और नीचे से कैरी संधू और मावी नीचे से कवर फायर दे रहे हैं, देयर यू कैन सी ओवर एग्जिस्टेंस यहाँ पे नॉकडाउन होता है, RIP स्क्वाड पूरे के पूरे एलिमिनेट हो जाएगा जल्दी, रॉकी भी वहाँ पे फाइनल डैमेज का जोन लेता हुआ, ओवर एग्जिस्टेंस हैज बीन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा जल्दी बिकॉज अभी बस स्पॉट कर लेगा वो फॉर श्योर अपने एक पॉइंट के लिए जाएगा। यहाँ पे निजाम DC को नॉकडाउन करते हुए नीचे से फॉर श्योर आज ने यहाँ पे ओवर मावी को नॉकडाउन करा, वैम्पायर ऑल्सो गॉट नॉक, पेन जेब्रो गॉट नॉक, यहाँ पे मल्टीपल फाइट चल रही है सेनॉक में, फाइनल सर्कल आई थिंक एक या दो मिनट के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि कौन सी टीम आई थिंक 4v4 प्रॉपर दिखा पाएंगे फाइट हम लोग, और यहाँ आप देख सकते हैं OR पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई है, नहीं एक और बंदा बचा है उनका, सिर्फ कैरी बचा हुआ है, एंड उनके लिए डिफिकल्ट होगा फिलहाल यहाँ पे रुकना बिकॉज जो हमारी वो टीम है MYM यहाँ पे कंप्लीटली वाइप आउट होते हुए, पेन ने MYM को वाइप आउट कर दिया है, एंड सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पे जिस टीम को है वो है गॉड्स रेन की कंसिस्टेंसी, हमें पता है कैसी है, किल्स भले ही ज्यादा नहीं होंगे बट वो लोग ऐसे पोजीशन पे रहते हैं कि यू नो
पोजीशन पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पे गॉड्स रेन जोन के अंदर है, कंपाउंड है उनके पास, एंड्रिश इट्स केके भी यहाँ पे डैमेज ले रहे हैं। ट्विस्टर यहाँ पे शायद से कवर फायर दे पाएगा बेटर इट्स केके को, एंड H2O की टीम यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रही है, बट इवेंचुअली जो लोगों ने स्मोक बॉल डाले थे वो उनको थोड़े से हेल्प कर रहे हैं। गॉड का स्क्वाड यहाँ पे नॉक डाउन करते हुए रैम्बो को, पूरा स्क्वाड फिनिश, ISO देवांश गॉट दैट फाइनल किल ऑफ RIP। थ्री स्क्वाड्स रिमेनिंग राइट नाउ, इट्स 4 vs 4 vs 4, बहुत मजा आने वाला है ये देखने में, बिकॉज ऐसा बहुत जिसको है वो है फिलहाल H2O, बट दे आर बैंकिंग ऑन इट एंड वहां पे शॉट लेते हुए, एंड यहां पे क्या ये नॉक कर पाएंगे उनको, यस ही गोज फॉर इट, देवांश ने H2O को नॉक कर दिया है वहां पे, एंड फाइनल पर्सन रिमेनिंग, एंड देवांश यहाँ पे बहुत बढ़िया खेलते हुए 5 kills लेते हुए गॉड्स अब पुश करेगा यहाँ पे, बिकॉज 3 men रिमेनिंग है यहाँ पे, सिर्फ गॉड्स के सिर्फ 4 बंदे रिमेनिंग है, एंड कैन दिस 3v4 बी टर्न्ड इनटू अ विक्ट्री फॉर ISO, बिकॉज उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस इस वक्त बूस्टेड अप है। यस, यहां पे 4v3 का सिचुएशन है, ISO वर्सेस गॉड्स रिंग, गॉड्स रिंग का हमें कंसिस्टेंसी पता है, हर टूर्नामेंट में लैंड पे दे वे टू द टॉप 4 टॉप 5, यहां पे गॉड्स वर्सेस ISO, ISO के पास हाइट एडवांटेज आपने बोला, ट्विस्टर नॉक होते हुए 3v3 का सिचुएशन है, क्या इट्स केके दक्ष, पर इन लोग यहां पे पुश करते हुए ISO राइजर सिवा देवांश बहुत ही एग्रेसिव, मनु को नॉक किया, ट्विस्टर को नॉक किया, इट्स केके और यहां पे दक्ष सक्षम अंदर है, एंड यहां पे केके भी नॉक होते हुए ISO डूइंग अ 3v1 बहुत ही प्यारा पुश कंपाउंड में, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एंड कमिंग अप विद द चिकन डिनर, गॉड्स दक्ष यहाँ पे फाइनल बंदा बचा था, एंड ISO गॉट दैट फर्स्ट चिकन डिनर ऑन दिस PUBG मोबाइल इंडिया टूर 2019 पुणे लैंड्स, यहाँ पे देयर यू कैन सी दो स्माइल।